यूपी में काबा गाकर मशहूर हुई नेहा सिंह राठौर फिर एक बार सुर्खियों में छाई हुई है अपने यूपी में काबा पार्ट टू को लेकर। जी, नेहा राठौर का काबा पार्ट टू भी आ गया, लेकिन अफसोस ये काबा इनकी परेशानी का सबब बनकर आया। कहा नेहा राठौर ने सोचा था कि एक बार फिर वो काबा गाकर जो लाइमलाइट से दूर थी वो लाइमलाइट पा लेंगी, लेकिन असल में वो लाइमलाइट तो नहीं मिली, लेकिन हाँ नोटिस के चक्कर में जरूर फंस गई। अरे कानपुर देहात कांड को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गाना गाया है, जिस मामले में योगी खुद एक्शन ले चुके हैं और गलती करने वालों पर गाज गिरा चुके हैं। लेकिन किसी की जान गई है तो भला जो मोदी या योगी सरकार के विरोधी हैं, वो हाथ पर हाथ रखकर तो बैठेंगे नहीं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मोदी योगी से नफरत करने वाले लोग भी हैं, सिर्फ मोदी के प्रशंसक ही नहीं है इस देश में। तो नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने उनके गाने को लेकर नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने कहा है नेहा से गीत के बोल और गीत गाने को लेकर 7 सवाल पूछे गए हैं। हालांकि जो जवाब नेहा राठौर ने दिए हैं उनसे लग रहा है कि उनको अपने गाने को लेकर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कानपुर कांड पर यूपी पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई है, उसको लेकर मैंने गीत गाया है। यूपी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि पहले मेरे ससुराल गई और मेरे ससुर को नोटिस दिया, उसके बाद वो रातों रात दिल्ली आई और मुझे नोटिस थमा कर गई है। वहीं नेहा सिंह राठौर की यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाने के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस के नेता भी नेहा के गाने का समर्थन कर रहे हैं, जबकि नोटिस थमाए जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तो हद ही कर दी, वो तो बीजेपी सरकार की बुराई करने में कुछ ऐसे अंधे हो गए कि यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी सरकार लोक कलाकारों की जुबान पर ताला लगा रही है। क्या नेहा सिंह राठौर की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, या सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे चाटुकार का भी चाहिए भाजपा को? बस सुरेंद्र राजपूत ने यही गलती कर दी, एक सम्मानीय कवि का नाम लेकर उनका अपमान किया है। और जब कांग्रेस की तरफ से मनोज मुंतशिर को चाटुकार कहा गया तो मनोज मुंतशिर ने खुद इसका जवाब दिया। सुरेंद्र राजपूत की तरफ से किए गए ट्वीट पर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला भड़क गए। उन्होंने जवाब में लिखा, मैंने तेरी मिट्टी देश मेरे जन गण मन और माटी को माँ कहते हैं लिखकर भारत के फौजियों की चाटुकारी की। इंडियन आइडल पर कविताएं सुनाकर देश की हर माँ की चाटुकारी करता हूँ, और जब तक भाजपा मेरे भारत और सनातन की सेवा में रत है बीजेपी की चाटुकारी भी करता रहूंगा। जय हिंद। वहीं जब कवि मनोज मुंतशिर ने इस तरह का जवाब दिया तो सोशल मीडिया पर भी हल्ला मच गया। नीरज कुमार दुबे नाम के यूजर ने लिखा, भाई साहब आपने इस कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति को चाटुकार के जरिए ही जोरदार शाब्दिक चांटा मारा है। इन लोगों की दिक्कत यह है कि ये हर किसी को राजनीति में घसीटते हैं, ये लोग देश और संस्कृति से प्रेम नहीं करते, इसलिए क्या समझेंगे मिट्टी सेना और सनातन का महत्व। सुधाकर पांडे नाम के यूजर ने लिखा, मनोज मुंतशिर जैसे प्रतिष्ठित कवि और गीतकार के लिए चाटुकार शब्द का उपयोग उचित नहीं प्रतीत होता है। नेहा सिंह राठौर भी एक लोक गायिका है, ये दोनों ही व्यक्तित्व पार्टी लाइन से परे हैं, इसलिए पार्टी वालों को इनका नाम लेकर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, सादर। वहीं तरुण नाम के यूजर ने साथ में कुमार विश्वास का भी ट्वीट साझा किया और लिखा, मुझे आप दोनों पसंद हैं, लेकिन आप दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। कवि कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्सव मना लड़की, जब किसी जनकवि के गीत गाने भर से पुलिस प्रशासन सरकार विचलित होने लगे तो समझो सरस्वती तुम्हारे कंठ में सही शब्द उतार रही है। आजम साहब की भैंस ढूंढने में जुटती रही महान पुलिस आज तुझ तक पहुंची है। आरती उतारो दरोगा जी की, हमने भी पंजाब वालों को लस्सी पिलाई थी। वहीं गौरव नाम के यूजर ने लिखा, हर किसी को उत्तर देना अनिवार्य नहीं है मनोज मुंतशिर जी, ऐसे लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को अपने अंदर के जहर का इतना गुमा होता है कि थूकने के लिए उनका निशाना बस आसमां होता है। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया मनोज मुंतशिर के कांग्रेस के नेता के किए गए कटाक्ष पर देखने को मिली है। वैसे नेहा ने अपने गाने के जरिए फिर एक बार इस यूपी में काबा वाले विवाद को बढ़ा दिया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ होने वाला है। वैसे क्या आपने अभी तक यूपी में काबा पार्ट 2 सुना है? अगर हाँ तो कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस इस मामले में कूदी है और जिस तरह से कांग्रेस ने कवि मुंतशिर को इसमें घसीटा है और जिस तरह से मुंतशिर ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।